हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 5G सर्विस इंडिया में लॉन्च हो चुकी है 1 अक्टूबर से। एंड दोस्तों, इंडिया में देखेंगे IMC का इवेंट चलने वाला 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक। एंड दोस्तों, इसमें देखेंगे जियो का स्पीड है, एयरटेल का स्पीड है, एंड वी का जो स्पीड है, सभी ने देखेंगे यहाँ पे टेस्ट किया है। एंड दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वीडियो किया था जियो 5G स्पीड वर्सेज एयरटेल 5G स्पीड, बट दोस्तों वो फर्स्ट अटेम्प्ट था फर्स्ट डे का। एंड काफी सारे लोग जानना चाहते थे कि जियो वर्सेज एयरटेल वर्सेज वी का जो स्पीड है मैक्सिमम देखेंगे आपको कितना पीक या फिर हाई स्पीड मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रियल टाइम मैक्सिमम स्पीड के बारे में बात करेंगे, कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर आपको सबसे मैक्सिमम पीक या पे हाई स्पीड ऑफर करता है। सो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली 5G सर्विस इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। एंड जियो ने, एयरटेल ने, एंड वी ने भी देखेंगे पार्टिसिपेट किया है। एंड सभी टेलीकॉम ऑपरेटर ने देखेंगे 5G बैंड्स को एक्वायर किया है, जिसमें देखेंगे जियो सबसे ज्यादा लीड करता है। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जियो एक ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर है जो कि आपको सेपरेट यहाँ पे स्टैंड लोन 5G प्रोवाइड करने वाला है, मतलब कि ट्रू 5G प्रोवाइड करने वाला है। बाकी एयरटेल हो गया, उसके बाद दोस्तों वी का जो सर्विस है आपको 4G में ही देखेंगे, आपको 5G का नेटवर्क ऑफर करने वाले है। सो कौन से टेलीकॉम ऑपरेटर का नया सिम लेना पड़ेगा 5G का, या फिर कौन से टेलीकॉम ऑपरेटर का पुराना सिम ही आपको 5G का सर्विस मिल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जल्दी से नजर डालते हैं कि कौन कौन से सिटीज में सबसे पहले आपको 5G मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इसमें देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पर 5G सर्विस कल से लॉन्च हो चुकी है, मतलब कि स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों और भी सिटीज है, जैसे कि अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, चंडीगढ़ है, उसके बाद चेन्नई है, दिल्ली है, गांधीनगर है, इसमें भी आपको 5G सर्विस मिलने वाला है। इसके बाद गुरुग्राम है, हैदराबाद है, जमनागर है, कोलकाता है, लखनऊ है, मुंबई एंड पुणे भी है। तो इतने सारी सिटीज में देखेंगे सबसे पहले आपको 5G सर्विस मिलने वाली है। सो चलिए दोस्तों, 5G स्पीड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। एंड ये जो स्पीड टेस्ट है, लेटेस्ट वाला स्पीड टेस्ट है, मतलब कि कल ही देखेंगे स्पीड को टेस्ट किया है। सो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे एयरटेल के 5G स्पीड के बारे में। एंड आप देखेंगे स्पीड टेस्ट या फिर वेबसाइट से देखेंगे हम स्पीड टेस्ट देखने वाले हैं। एंड इसके बाद हम आपको fast.com से भी स्पीड टेस्ट दिखाने वाले हैं। एंड सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पीड टेस्ट वेबसाइट से, हमको यहाँ पे जो एयरटेल की स्पीड है मैक्सिमम देखेंगे 600-650 को टच करती है, मतलब ये नियर अबाउट देखेंगे आपको कम से कम यहाँ पे 651 Mbps की आपको हाईएस्ट स्पीड देखने को मिली है। सो आप देखेंगे 1 GB तक यहाँ पर टच नहीं किया है। इसके दोस्तों बात करेंगे fast.com से कितना हमको मैक्सिमम एयरटेल 5G की तरफ से स्पीड मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं fast.com पे आपको एयरटेल ने 1 GB तक देखेंगे टच किया है। सो नियर अबाउट देखेंगे 940 है, 950 है, इसका मतलब दोस्तों नियर अबाउट देखेंगे 1 Gbps की आपको स्पीड एयरटेल ने ऑफर किया है। एंड वैसे भी दोस्तों एयरटेल आपको नॉन स्टैंड अलोन में 5G ऑफर करने वाले, मतलब कि 4G के नेटवर्क में आपको 5G का जो सिग्नल उसको बूस्ट करके देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे जियो के मैक्सिमम स्पीड के बारे में। एंड सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पीड टेस्ट वेबसाइट से, तो मैक्सिमम देखेंगे 958 Mbps की आपको स्पीड मिल जाती है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको 1 Gbps की जियो ने भी देखेंगे स्पीड को प्रोवाइड किया है। एंड इसके बाद दोस्तों fast.com पे देखेंगे जियो ने फर्स्ट डे में फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छा स्पीड दिया था, मैक्सिमम देखेंगे 1.6 Gbps की आपको जियो की तरफ से देखेंगे पीक मैक्सिमम स्पीड देखने को मिली है। एंड जो स्पीड है fast.com से आपको देखने को मिली है। सो जियो ने भी देखेंगे यार सबसे ज़्यादा हाई स्पीड आपको दी है, 1.6 Gbps के आसपास है। एंड इसके बाद दोस्तों बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के 5G स्पीड टेस्ट के बारे में। एंड वैसे भी दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने देखेंगे fast.com पे आपको 1 Gbps की जो स्पीड है मैक्सिमम पीक लेवल की स्पीड दी थी, बट उसका जो वीडियो है अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट दोस्तों speedtest.com से देखेंगे आपको मैक्सिमम कितना स्पीड ऑफर करता है, सो वो भी आप चेकआउट करके देख सकते हैं। सो वी का जो 5G का स्पीड है मैक्सिमम देखेंगे 600-650 Mbps के आसपास मिल जाता है। सो speedtest.com से देखेंगे आपको 604 Mbps की स्पीड आपको वी की तरफ से मिल जाती है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो भी यार बेटर है। सो फ्रेंड्स, 5G स्पीड टेस्ट के मामले में मुझे लगता है कि जियो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट आपको यहाँ पर 5G का नेटवर्क ऑफर करने वाला है। उसके बाद आपको एयरटेल का भी स्पीड ज्यादा मिल जाता है, एंड उसके पीछे आपको यहाँ पे वी का भी 5G का स्पीड सबसे ज्यादा मिल जाता है। सो यहाँ पे सिम कार्ड चेंज करने की बात करेंगे, सो आपको यहाँ पे जियो 5G सिम कार्ड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जियो को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टैंड अलोन 5G मिल जाता है, जिसके लिए आपको नया सिम कार्ड परचेस करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर आप एक एयरटेल या फिर वी के कस्टमर है तो आपको कोई भी नया सिम कार्ड परचेस करने की जरूरत नहीं है, पुराने सिम कार्ड में भी देखेंगे 5G का सिग्नल आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।